देश में लोकसभा चुनाव शुरू हो चुके हैं। बता दें कि ये चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिनमें से 2 चरण समाप्त हो चुके हैं। अब अगले चरण का मतदान 7 मई को है। इस बीच लोकसभा चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार में मंत्री रहे चौधरी फवाद हुसैन ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए वीडियो शेयर किया, तो भाजपा ने इसे तत्काल मुद्दा बना लिया है। गुजरात के आनंद में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, संयोग देखिए, आज भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। मजे की बात यह है कि यहाँ कांग्रेस मर रही है और वहाँ पाकिस्तान रो रहा है। अब पाकिस्तानी नेता कांग्रेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पाकिस्तान शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्सुक है और हम पहले से ही जानते हैं कि कांग्रेस पाकिस्तान की प्रशंसक है। पाकिस्तान और कांग्रेस के बीच यह साझेदारी अब पूरी तरह से उजागर हो गई है। साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्म दर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा, कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। भाइयों और बहनों, देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए।